गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी विल रिवाइज पी ब्लॉक एलिमेंट एंड वी विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द पी ब्लॉक। ओके, इन पी ब्लॉक देर आर मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चंस, देर आर मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, एंड यू कैन डिवाइड पी ब्लॉक इन थ्री पार्ट। वन फॉर द रीजनिंग क्वेश्चन इन विच वी यू हैव टू स्टडी अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज, चेंज इन जनरल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड, इफेक्ट ऑफ चेंजेस, एंड अनदर पार्ट इज द रिएक्शंस विच आर मोस्टली आस्क्ड रिएक्शंस, एंड देन थर्ड पार्ट इज द स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। देर आर द थ्री, दीज आर द थ्री क्राइटेरियाज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन जो होता है वो इस पे बेस्ड होता है कि रीजनिंग क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि कोई कंपाउंड इस फॉर्म में पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है, अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो रिएक्शन के आधार पे है, रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादातर इनकम्प्लीट रिएक्शन दिए रहते हैं, उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना रहता है, वो क्वेश्चन हो गया। और थर्ड जो क्वेश्चन अगर तैयार करना है तो हमें स्ट्रक्चर वाला करना पड़ेगा, और इस तरह से पी ब्लॉक हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पी ब्लॉक पे क्वेश्चन, पहले रीजनिंग बेस क्वेश्चन देखेंगे किस किस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक, क्योंकि इस चैप्टर पूरे चैप्टर से तो पी ब्लॉक से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब जो प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन थे प्रिपरेशन को हटा दिया गया है। प्रिपरेशन किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है या किसी भी एलिमेंट का प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये 2018 का है, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच सेट। ठीक है, और एलिमेंट इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, H2O, H2S, H2SE, H2TE, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। अरेंज करना है फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसे पहला हमारा है इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, इसमें कौन मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, कम कम कम, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं,
तो साइज बड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कोई वो नहीं है, एसिडिक का मतलब कौन जल्दी हाइड्रोजन देगा और कौन इसमें हाइड्रोजन जल्दी देगा जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है वीक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज क्या बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो जाती है। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो गई तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा और मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो किसी भी ग्रुप के लिए ये नियम लागू हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा H2O इज लेस एसिडिक देन H2S, लेस एसिडिक देन H2SC और H2TE। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, और ये क्यों होता है ये रीजन बता दे रहे हैं, पूछा नहीं है मगर बता दे रहे हैं कि कभी इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ दे। तो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डिक्रीज होने की वजह से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा, जो हाइड्रोजन जल्दी देगा वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्वेशन। ठीक है, हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन देख रहे हैं। वन मार्क्स के क्वेश्चन से हमारा 3 मार्क्स का भी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 1 मार्क्स को जोड़ करके 3 मार्क्स का हो जाता है। तो क्वेश्चन है PbS प्लस O3, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, इसको बैलेंस, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको बैलेंस भी करना होता है, बिना बैलेंस किए हम इसको नहीं लिख सकते। यहाँ PbSO4 बनेगा प्लस O2 बनेगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेड सल्फेट बन गया, सल्फेट ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
ये आंसर हो गया। अकाउंट द फॉलोइंग, द फॉलोइंग ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। बहुत बार हमने इसको क्वेश्चन पूछा है, 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है? यहाँ पे एक ही कारण है इसका आंसर, डिसप्रोपोर्शनेशन। दिस इज ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण, ठीक है, इन O2 ये जब टूटता है तो O2 में टूट जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। एंड ओ एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी भी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्रोपी जो डेल्टा एस होती है वो पॉजिटिव, और डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है। आई बात समझे? तो यही कारण है कि ये एक तो डिसप्रोपोर्शनेशन सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, और इसकी वजह से एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाती है और हीट निगेटिव होता है। तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने के पीछे कारण डिसप्रोपोर्शनेशन, जिससे कि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज होता है, इससे इसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सुपरसोनिक सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन are responsible for the depletion of ozone layer। ठीक है,
किस तरह से सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सुपरसोनिक जो जेट होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, जहाँ पे ओजोन की लेयर होती है, जहाँ पे क्या होती है ओजोन की लेयर होती है, तो वो किस प्रकार से जो है कि ओजोन की लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। उसमें से जो निकलने वाली गैस है वो गैस जो है कि क्या करती है ओजोन को O2 में डिप्लीट कर देती है। उसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है या हम उसको नाइट्रिक ऑक्साइड जेट एरोप्लेन एरोप्लेन रिलीज रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड विच रैपिडली रिएक्ट विथ ओजोन एंड ब्रेक इनटू O2। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है NO रिएक्ट विथ O3 गिव्स NO2 एंड O2। ठीक है, यही कारण है कि डिप्लीशन तेजी से हो जाता है। दिस रिजल्ट्स डिप्लीशन। रिजल्ट्स डिप्लीशन। ओके, इससे क्या होता है डिप्लीशन होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर से है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। H2SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक मार्क्स में पूछता है, 2017 का है, ऑल इंडिया बेसिस पे पूछा हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सल्फर में लीक बॉन्ड एक लोन पेयर बचेगा, एक बॉन्ड इधर बना, एक बना इसके साथ और एक बना इसके साथ। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। और हमें ऊपर लोन पेयर बनाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। ठीक है, अरे बॉन्ड पेयर से। ठीक है, तो ये दो, ये ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO7
2018-2017 से ये क्वेश्चन है। सिंपल है इसको बनाना, पहले हमें सल्फर, इसको ऑक्सीजन बांटेंगे, एक एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक OH इसको देंगे, एक OH इसको देंगे। अब चार में से तीन हमारे पास बचे ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन हम इसको दे दिए, ठीक है, हमारे पास दो बचे, तो दो ऑक्सीजन ऐसे इसको दे दिए। ये हो गया स्ट्रक्चर, वन मार्क्स का ये भी है वन मार्क्स, ये भी वन मार्क्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें दिया हुआ है SF6 इज इनर्ट, SF6 इज इनर्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस, टूवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। 2016 का ये क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस SF6 की नहीं हो सकती, ऐसा क्यों सोचना है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो सकता है कि SF6 इनर्ट है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया कि वाटर से रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन कर जाए, नहीं करता है, ऐसा क्या हो सकता है, उसके पीछे कारण है SF6 है, S के 6 इलेक्ट्रॉन जो है सिक्स इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो इसने इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, सल्फर को इसने प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है, सल्फर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, जिससे कि H2O यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। सल्फर पूरी तरह से फ्लोरीन से प्रोटेक्टेड है, इसकी वजह से ये वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि इन सारे फ्लोरीन्स के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है वो ये ले नहीं पा रहा है, ले लेता तो टूट जाता है, मगर वो एक तरह से घुस ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इस वजह से अटैक नहीं हो पा रहा। तो इसके पीछे कारण रीजन क्या लिखेंगे, Since sulfur is protected by sulfur is protected by 6 फ्लोरीन एटम,
therefore H2O cannot break or cannot approach to the सल्फर, ठीक है, सल्फर तक जो है कि पहुंच नहीं पा रहा है। दूसरा चीज, एंड फ्लोरीन हैज नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो हमने इसमें देख लिया कि फ्लोरीन ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है सल्फर को, जिससे ऑक्सीजन वाटर अप्रोच नहीं कर पाता। और अगर फ्लोरीन की जगह कोई दूसरा होता जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते तो आराम से वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता और सल्फर से अलग हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि हाइड्रोजन फैमिली से है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए और इन्हीं 1 मार्क्स को जुड़ा करके 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राइट द फार्मूला ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। राइट द फार्मूला ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। विद द ClO माइनस, ठीक है। ऐसा कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड मॉलिक्यूल लिखना है, आंसर इसका होगा। ये तो आयनिक है, ClO माइनस क्या है, आयनिक है। हमें एक ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है जो कि न्यूट्रल भी हो और इस कंपाउंड ClO माइनस के बराबर इलेक्ट्रॉन हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन को अगर मिला दिया जाए तो आउटर मोस्ट में इसके क्लोरीन के 7 है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट में 6 है, टोटल हो गया 30। तो हम ClF को अगर ले लें, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, और HOCl ये सब न्यूट्रल है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टू द ClO माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का एक अगला भी क्वेश्चन है कि फ्लोरीन हैज लोअर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी देन क्लोरीन। क्वेश्चन है F2 हैज लोअर
bond dissociation in therapy. Then Cl2. Why? हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है कम, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन तो ऊपर ही है, तो इसके पीछे रीजन है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ फ्लोरीन. यहाँ पे दो कारण, एक तो साइज और दूसरा जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन दोनों के कारण जो है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर साइज की वजह से दिस काजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ओके. तो आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चन देख लिए, अभी कल और भी देखेंगे क्योंकि अगला टेस्ट तो हम लोग का जो होने वाला पी ब्लॉक से है. आज जो है सरफेस केमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल से कंप्लीट हुआ. आई होप सबके अच्छे हुए होंगे पेपर, ठीक है. चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.